दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत के सामाजिक न्याय तथा एम्पावरमेंट राज्य मंत्री रामदास बंधु अठावले भी पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है और इसका लोग जमकर लाभ भी उठा रहे हैं। तो मैं उसमें कोई मदद करने की आवश्यकता है तो इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में बोला था कि जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बैंक वालों ने सहयोग देना चाहिए। और हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार आप जैसे फेडरेशन को फ्रेंडशिप को पूरा मदद करना चाहती है। जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे एक बार आप मेरे मंत्रालय आएंगे। दर्शकों को बता दें कि पिछले करीब 5 साल से इस इंडस्ट्री में गजब का इजाफा हुआ है और करीब पिछले 5 सालों से कंपनियां डायरेक्ट अपना माल उपभोक्ताओं को बेच रही है, जिससे ज्यादातर मुनाफा सीधे उपभोक्ताओं की जेब में जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल कटियार ने कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिस कारण बीच के कमीशन एजेंट कहें या डिस्ट्रीब्यूटर कहें, उनका मुनाफा सीधा उपभोक्ता की जेब में जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लगातार फायदा मिल रहा है। वही कंपनियां भी अपना माल सस्ते में बेच लेती हैं। दर्शकों को बता दें कि इस समय भारत में करीब 500 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को सीधा अपना माल बेच रही हैं। डुपिन ट्रेवल मार्केटिंग, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कैनविज इंडस्ट्री लिमिटेड, एक्सेल कोर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जिक्स पेबैक मॉल के अतिरिक्त DNAR मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, JMVD मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, RLI मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्टवे इंडिया, संकल्प हर्बल प्रोडक्ट, RMG फ्यूचर, स्वदेशी, निधन हर्ब्स, रेनॉल्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड, दीपक एनर्जी कंजर्वेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त ebiz.com ने भी अपने विचार लोगों के साथ साझा किए। देश के अन्य अन्य प्रदेशों से विभिन्न कंपनियों के MD तथा CEO ने अपने कंपनियों के विचार जहां एक दूसरी कंपनियों के साथ साझा किए, वहीं देश भर में कानूनी रूप से इस कारोबार को तेजी से बढ़ने पर भी तथा बढ़ाने पर भी किस तरह से सरकार का सहयोग लिया जा सकता है पर चर्चा की।